कानपुर के साढ़ोली हरिया गांव में एनआरआई राकेश शर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी दीपांकर सहित समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। आज हम साढ़ोली हरिया में प्रोग्राम है, यहाँ पर आरएनआई राकेश जी आए हैं जो काफ़ी समय से अमेरिका में हैं। उन्होंने परशुराम जी का ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम कराया यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग सभी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं जी। यहाँ पर मुकेश दीक्षित जी उपस्थित हैं, ब्राह्मण समाज से काफ़ी अच्छे लीडर हैं। हाँ जी मुकेश जी, आपका हलचल इंडिया में स्वागत है। जी आपका स्वागत है हलचल इंडिया में। आप यहाँ पर राकेश जी के यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है, तो ब्राह्मण समाज के लिए क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ब्राह्मण समाज की राकेश भाई के यहाँ सब लोग आए हैं और हमें सबको इतना बड़ा गर्व है हमारे राकेश भाई और इनके परिवार, जो ब्राह्मण समाज के लिए तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं। ये हमारे भाई हैं और यहाँ जितना ब्राह्मण समाज आज इकट्ठा हुआ है, ये बड़ी एक हर्ष की बात है कि ब्राह्मणों के अंदर एक जागृति पैदा हुई और उस जागृति में जैसे हमारे अरविंद भाई, भाई कपिल साहब और यहाँ जितने हमारे मयंक भाई, अनिल भाई, तमाम साथी हैं और भी शहर के जितने ब्राह्मण हैं, मैं सभी को एक साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक प्रयास से, एक तो हम लोगों ने सरकार बनाई, इसका भी प्रयास ब्राह्मणों को जाता है। दूसरा, जो ब्राह्मणों में एकता आई है, ये भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है कि भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से हम सब लोग एक सूत्र में बंध करके चल रहे हैं और भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से मुझे ये विश्वास है अपने पूरे ब्राह्मण समाज पर कि हम सब एक रहेंगे, कभी भी हम टूटेंगे नहीं, हमेशा देश हित के लिए, ब्राह्मण हित के लिए, अपने परिवारों के लिए, सबके लिए संघर्ष करेंगे, एक रहेंगे। क्या ये इस खुशी में प्रोग्राम किया गया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है? देखो मैं अभी आया हूँ, हमारे पास जो निमंत्रण है वो भगवान सत्यनारायण की कथा का है, लेकिन नारायण की कथा भी सनातन धर्म वाले ही कर सकते हैं जिसमें सर्वोपरि ब्राह्मण समाज होता है। आप इसको खुशी मना लीजिए या ब्राह्मण समाज की एकता मान लीजिए, ये सारा काम को भगवान का आशीर्वाद है। परशुराम है तो नारायण है, नारायण है तो परशुराम है। हम सब लोग खुशी मनाने आए हैं, दिल से खुशी है कि सरकार बनी है और दिल से खुशी है कि हमारे राकेश भाई ने भगवान का एक आयोजन किया है, ये दिल से खुशी है सभी को। और यहाँ पर एक जाने माने चेहरे ब्राह्मण समाज से एडवोकेट अरविंद शर्मा जी उपस्थित हैं। हम अरविंद शर्मा जी से बात करें। जी शर्मा जी, आपका हलचल इंडिया में स्वागत है। क्या ये ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम हो रहा है जो राकेश जी के यहाँ? यहाँ पर इस प्रोग्राम में दीपांकर महाराज जी भी उपस्थित हैं। ये ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है जो एनआरआई राकेश जी द्वारा किया गया है। हम गुरु जी से बात करते हैं। जय श्री राम गुरु जी। हलचल इंडिया में आपका स्वागत है। ये एनआरआई राकेश जी द्वारा प्रोग्राम किया हुआ है, इसमें आप भी उपस्थित हुए हैं और इसमें कथा भी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक सकारात्मक संयोजन है, एक सकारात्मक उत्सव है, आध्यात्मिक उत्सव है और हम लोगों के लिए तो हमें लगता है कि अध्यात्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं। जहां अध्यात्म की गंगा बहेगी, हम जैसे गोता लगाने वाले आ ही जाएंगे। तो हम लोग तो गोता लगाने के लिए आ गए, पर हाँ इतना है कि राष्ट्र का मंगल हो और राष्ट्र के मंगल के लिए अध्यात्म का होना आवश्यक है। अगर जो राष्ट्र शरीर है तो अध्यात्म उसकी आत्मा है, वो आत्यात्मा यूँ ही चैतन्य रहे, अद्भुत रहे, अद्वितीय रहे, प्रसन्न रहे, उसके लिए इस तरह के आयोजन होते रहते हैं और राकेश बाबू ने आयोजन किया। मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ राकेश बाबू से प्रेरणा लेकर अन्य भी कई लोग इस प्रयोजन को कराएंगे, आगे बढ़ेंगे और अध्यात्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मैं साधुवाद देता हूँ छोटे छोटे बटुक को जो खड़े होकर वेदोच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाए हैं, धन्यवाद। जी सर, एक बार और पूछना चाहते हैं हम, योगी जी पूर्ण बहुमत में आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शायद मुझे लगता है इसमें कहने जैसी आवश्यकता नहीं है। जो परमात्मा को आसन देगा, गरीब को राशन देगा और शहर को प्रशासन देगा, अगर वो भी ना आएगा तो आएगा कौन? धन्यवाद। धन्यवाद। एक और गुरु जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी गुरु जी, क्या नाम है? पीछे
स्वामी युगल किशोर गिरी जूना अखाड़ा हरियाणा भिवानी राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता। मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत हृदय से फागुन मास के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और शुभाशीष देता हूँ। आज मेरे साथ में सानिध्य में दीपांशु जी महाराज पधारे हैं और काफ़ी जनसमूह मेरे साथ में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे राकेश भाई अमेरिका से मेरे शिष्य परम शिष्य, जिन्होंने इतना सुंदर उत्सव किया है, सब ब्राह्मण समाज के लोगों को एकजुट किया है और सभी ब्राह्मणों को, सभी संतों को एकजुट किया है, तो ऐसा अवसर तो कभी मिलता ही नहीं है। और ऐसी उन्होंने अपनी जन्मस्थली पर भी भगवान की इस कृपा को, भगवान परशुराम की इस पावन स्थली को पवित्र कर दिया है, तो ऐसा उद्गम स्थान बन गया है। ओम नमो नारायण, जय मातेश्वरी।